समाज के जो बुद्धिजीवी साथी हैं, आप लोगों को मैं अपने घर पर के बाबा साहब इस पावन जन्म उत्सव के अवसर पे आप लोगों को हार्दिक बधाई देता हूँ। साहब भीमराव अम्बेडकर जी के बारे में कुछ भी कहा जाए, कितना भी कह दिया जाए, सब कम ही। लेकिन कुछ शब्दों में मैंने अपनी बात को कहना चाहा है, आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करती हूँ। अगर कोई गलती हो तो उसके लिए क्षमा चाहूंगी। एक मसीहा आया ऐसा गहन रात में चंदा जैसा, एक मसीहा आया ऐसा गहन रात में चंदा जैसा, घनघोर बादलों के बीच विद्युत की रेखा जैसा, घनी अंधेरी रात के बाद सुंदर सूर्योदय होता है जैसे, घनी अंधेरी रात के बाद सुंदर सूर्योदय होता है जैसे, सदियों से सोए दीन जनों को किसी ने ज्ञान का दीप दिखाया जैसे, जीना हमें सिखाया उसने शीश उठाकर स्वाभिमान से, छुआछूत के दलदल से निकाल रखा उसने हमें मान से, दिखलाई नारी को नई राह, शिक्षा का अधिकार दिया, लिखकर संविधान देश का, हमें जीने का अधिकार दिया। आया वो सूरज जैसा मिटाकर सारे अंधकार को, ज्ञान के दीपक जैसा रोशन करने जब को, कड़कड़ को हम तरस रहे थे, घूंट घूंट के प्यासे थे, उसने ही आकर इस जग में हमको तृप्ति दिलाई, उसका ही एहसान है हम पर, जो हमने शिक्षा पाई। कोई बना वकील डॉक्टर, कोई शिक्षक, कोई बड़ा अधिकारी, सब उसका उपकार है हम पर, कर्ज बहुत है उसका हम पर, उसका ये कर्ज चुकाना है, हमको कुछ ऐसा कर जाना है। एक मसीहा आया ऐसा गहन रात में चंदा जैसा, घनघोर बादलों के बीच विद्युत की रेखा जैसा। जय भीम, जय भारत।